मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस चैनल का होस्ट और आप सब लोगों का भाई दीप फिर से एक बार स्वागत करते हैं इंडियाज़ ब्यूटी एक्सप्लोर हमारे इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं यूट्यूब में हैशटैग कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग ये देखिए यूट्यूब स्टूडियो मैंने पहले सर्च किया हुआ था इसीलिए ये दिखा रहा है। तो ये यूट्यूब स्टूडियो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये मेरे पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। तो आप लोग इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। देखिए ये YouTube स्टूडियो ओपन हो गया। तो इसका अभी डैशबोर्ड दिखा रहा है। तो मान लीजिए ये आप लोगों का वीडियो है। तो ये जो पहला वीडियो है जुबली ब्रिज, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये ओपन करने के बाद ऊपर में देखिए एक पेन का आइकॉन दिया हुआ है। तो इस पेन का आइकॉन में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा ओपन होके। तो अभी हम लोग हैशटैग जो डालेंगे, ये देखिए नीचे मेरा हैशटैग दिया हुआ है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको फिर से एक बार लगाता हूँ। देखिए इसको मैं अभी पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। ये देखिए जैसे कि अभी देख पा रहे एकदम लास्ट में लिखा हुआ है म्यूजिक बाय डिसफिगर ब्लैंक। तो इसके नीचे जाके सेकेंड लाइन में आप लोग पहले हैश, उसके बाद आपका जो चैनल का नाम है उसको टाइप कीजिए। इंडियाज़ ब्यूटी एक्सप्लोर जो चैनल है इसको हम मैं दो टाइप में लिख सकता हूँ। जैसे कि एक है इंडियाज़ ब्यूटी एक्सप्लोर, एक ही लाइन में हो जाएगा। और अगर मैं इंडियाज़ ब्यूटी एक्सप्लोर अलग अलग लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इंडियास हो गया, उसके बाद हम लोगों को एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से और एक बार अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा और फिर से जो ये होगा मेरा चैनल का नाम इंडियास ब्यूटी एक्सप्लोर। तो इसको अगर अलग अलग दिखाना है तो इसके लिए हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। अगर स्पेस देंगे तो ये दिखाएगा नहीं। और अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं जैसे कि इंडियास ब्यूटी एक्सप्लोर, एक ही साथ में हो जाएगा, इसके बीच में कोई स्पेस गैप कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी चलेगा। लेकिन अगर स्पेस दे के छोड़ देते तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप लोगों को स्पेस दिखाना है तो इसके लिए इसके नीचे अंडरस्कोर एक लगाना पड़ेगा, तभी ऐसा ही आएगा जैसे अभी देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग अभी सेव करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। इसको सेव कर दिए हैं। तो अभी इसको हम लोग पैक करके यूट्यूब में जाते हैं। अभी देखिए ये जो जुबली ब्रिज का है इसको मैंने हैशटैग लगाया था। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ। ये देखिए पहले मैं और एक हैशटैग लगाया हुआ है इसका लिए, ये जुबली ब्रिज दिखा रहा है। और इसके बीच में भी देखिए एक अंडरस्कोर दिया हुआ है, इसीलिए जुबली और ब्रिज अलग अलग दिखा रहा है। तो आप लोगों को भी ये सेम चीज़ करना है। अगर आप लोग इसमें गैप दिखाना चाहते हैं, मतलब दोनों वर्ड के बीच में एक स्पेस देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को अंडरस्कोर ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, अगर ये स्पेस देख के आप लोग लगाते हैं तो ये शो नहीं करेगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर स्पेस देना है तो एक अंडरस्कोर लगा के दे दीजिए, बस आपका काम ख़त्म। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए।
और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप लोग प्रेस करके रखेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। थैंक यू।